ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हमने 18 आवर्स की स्टडी कर ली फ्यू प्रोसेस कैन नॉट बी रश्ड पेशेंस एंड परसिवरेंस इज रिक्वायर्ड स्टडी फुल थ्रोटल दिस इज़ प्रिलिम्स 2023 कोर्स इसमें हम सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं हम ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट नहीं किया है कि ये चीज़ इस दिन इस डेट पे ख़त्म हो जाना चाहिए बट हम बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं और एक्सेलेंट वे में पिछले नौ दस महीने में हमने ये पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर लिया है दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डनरी इसमें बस ये पोर्शन अभी चल रहा है करंट अफेयर्स एनवायरमेंट का और एक साइंस का होगा और मार्च में मार्च के एंड पे ये आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा प्रिलिम्स का अप्रैल और मई का जो टाइम होगा ये डेडिकेटेड वन टू वन सेशंस में हम अलॉट करेंगे दिस इज रिविजन कोर्स ये क्रैश कोर्स है अभी जैसे हम बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सारा रिविजन कर रहे हैं एन बुक्स एटसेट्रा ऑल द ऑल द बेसिक्स ऑफ इन इकोनॉमिक्स सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स इसकी क्लासेस आठ बजे भी है और सुबह ग्यारह बजे भी है आठ बजे एंड ग्यारह बजे इसमें हम एंटायर रिविज़न कर रहे हैं और ये है एम सी क्यू कोर्स एम सी क्यू कोर्स में हम एम सी क्यू सॉल्व कर रहे हैं ये जो रिविज़न कोर्स है ये फर्स्ट वीक ऑफ मे में आपका पूरा रिविज़न कम्प्लीट करा दूंगा मैं मार्च अप्रैल मई के फर्स्ट वीक में फर्स्ट टेन डेज़ में आपका पूरा रिविज़न हो जाएगा ट्वेंटी एथ ऑफ़ मे को आपका एग्ज़ाम है और ये जो टेस्ट सीरीज़ कोर्स है अभी नाइन पी एम क्लासेज चल रही है इसका पीक अभी आने वाला है फुल लैंड टेस्ट वगैरह जो होगा ये हम सेव करेंगे इन द मंथ ऑफ मे और जो सी सेट होगा वो हम अप्रैल में करेंगे तो अभी आप रेगुलरली 9 पीएम क्लासेस अटेंड करिए इसमें हम एम सी क्यू की तिकड़म एंड टेम्परामेंट बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे वन मोर थिंग ये जो तीनों कोर्सेज हैं ये तीन सेपरेट कोर्स है दीज आर थ्री सेपरेट कोर्स थ्री सेपरेट कोर्स है और सेपरेट फी है दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग टू एवरीबडी कि आप एक मेल ड्रॉप करो वन एट द रेट्स रजन इंडिया डॉट वन में आफ्टर फ़ी पेमेंट और वहाँ पर आप कोर्स का नाम मैंशन कर दो इससे क्या होगा किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं होगा कॉम्प्लीकेशन नहीं होगा सो जस्ट ड्रॉप अ मेल टू दिस ई मेल आई डी और आपने जो भी कोर्स ज्वाइन किया है उसका नाम भी अपने फी पेमेंट स्क्रीन शॉट के साथ आप मैसेज करो इससे कॉम्प्लीकेशन नहीं आएंगे हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सृजन इंडिया वन की है वो है इसके स्टूडेंट्स स्टूडेंट कम्युनिटी दिस इज़ गोल्ड दिस इज़ ट्रूली गोल्ड मैंने आप सबके फॉर्म्स देखे हैं और कम्युनिटी इज़ ट्रूली गोल्ड एंड वन थिंग जो हमने डे वन से फॉलो किया है और वो है स्टूडेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स भी हैं जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम लिखने वाले हैं कुछ स्टेट पीसीएस के भी ऑफिसर्स एट्सेट्रा हैं दे आर वेल टू डू स्टूडेंट्स एंड देर आर स्टूडेंट्स जो इतने वेल टू डू नहीं है इकोनॉमिकली डिफिकल्टी है बट देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन देर इज़ ओनली वन फी हर किसी से केवल एक ही फी लिया है डबल वन डबल वन और ये बहुत अफोर्डेबल नंबर है एवरी बडी कैन अफोर्ड इट ये जो फ्री होता है फ्री इज़ नॉट गुड फॉर टीचर फ्री इज़ नॉट गुड फॉर स्टूडेंट एक फ़ी होना चाहिए एक नॉमिनल फ़ी होना चाहिए सो दिस इज़ अ नॉमिनल फ़ी एंड दिस नंबर इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट नंबर सो देट इज़ वाई फी इज़ गोइंग टू बी द सेम ये बहुत अफोर्डेबल है फी पे करना इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ़ कैन इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ वन सो वी हैव टू फॉलो दिस मॉडल नो डिस्क्रिमिनेशन एवरी बडी देर इज गोइंग टू बी अफी फॉर यू देर इज गोइंग टू बी अफी फॉर यू ओके और हमारा फोकस ट्वेंटी एट ऑफ मे एग्जाम में होना चाहिए अट्ठाईस मई का एग्जाम हमारा टारगेट है वी शुड नॉट लूज फोकस लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए हमारे सारे एफर्ट्स ट्वेंटी एट ऑफ मे एग्जाम के लिए ही होने चाहिए ओके okay? सो so अब किसी भी टाइप का एंट्रॉपी नहीं करना है हमें केवल इस डेट पर फोकस करना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है देट इज अवर सोल पर्पज ओके This is Telegram quiz. Every day in morning we are having five such multiple choice questions. Join. This is again really good. इसके numbers अभी बढ़ने वाले हैं मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा Telegram quiz. Then this is vocabulary. Impaneled मतलब होता है सूची में रखना सूची में रखना This is like enlisted, enrolled. Ka hai, glum का मतलब है glum नहीं होना चाहिए उदास नहीं होना चाहिए Looking or feeling dejected or sad, depressed. No. स्टेल्थ का मतलब होता है दैट इज सीक्रेटिव सीक्रेट स्टेल्थ वेपन्स बिहेविंग डन और मेड इन अ कॉशियस और लाइक लाइक सीक्रेटिव मैनर लिनियज का मतलब होता है वंशावली लिनियल डेसेंट फ्रॉम एन ancestor, एनसेस्ट्री और पेडिग्री हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है अस्त व्यस्त एक्टिंग और डन विद एक्सेसिव और केयरलेस स्पीड है रश्ड है हरिड है पढ़ाई कभी भी रश्ड नहीं होनी चाहिए रश नहीं होनी चाहिए ओके सो दीज आर वोकैब वर्ड्स फॉर टूडे दिस इज हेल्टर स्केल्टर

ऐसा नहीं डरना है मैं फिर बता रहा हूँ सी सेट में डिफ़िकल्टी नहीं होगी अननेसेसरी हाइप में हमें बैकफुट पे नहीं आना है सी सेट आप सबका बहुत अच्छा होगा जो रियल डील आएगी वो जीएस पेपर वन में आएगी पेपर वन में बहुत कंपटीशन होगा तो डरिएगा नहीं सी सेट से आप सबके सिक्सटी सिक्स प्लस मार्क्स आ जाएंगे आ जाएंगे आई एम टेलिंग यू आ जाएंगे ओके दिस इज़ राइटिंग प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस है ये बॉटल नेक है मैं आप लोगों को बताता हूँ बॉटल नेक कहाँ पर आएगा बॉटल नेक यहाँ पर आएगा मेन्यू ऑफ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई प्रलिम्स और मेन्स में बॉटल नेक आएगा सो दैट इज़ वाई उसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लिखना चाहिए सो राइट दिस प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव टूवर्ड टुवर्ड्स एनिमल प्रोटेक्शन इन इंडिया अभी बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ ऐसे राइनोसोरस का विजन 2020 था ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं नॉट ओनली टाइगर्स एंड ऑल जैसे बर्ड्स वल्चर्स के लिए है वल्चर्स के लिए भी और भी दूसरी स्पीशीज़ है उनके लिए गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए सो इतने जितने भी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आपको नज़र आ रहे हैं और जो पिछले दो तीन साल में बहुत न्यूज़ में बने हुए हैं उसका एक कंपाइलेशन कर लीजिए ये आपको बहुत काम आने वाला है इनिशिएटिव्स टूवर्ड एनिमल प्रोटेक्शन इन इंडिया सारे टाइप ऑफ गवर्नमेंट इनिशियटिव देन ड्रॉ ज्योग्राफिकल मैप ऑफ पेनसुलर इंडिया तो ये पेनसुलर इंडिया है water, water, water. ये जो इंडिया है इसका एक मैप ड्रॉ करिए ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन बताइए सिटीज कैपिटल सिटीज हर राज्य की बनाइए इससे सवाल आते हैं बहुत ज्यादा तो एक बहुत अच्छा नोट बनाइए ज्योग्राफिकल मैप ऑफ पेनंसुलर इंडिया सो दीज आर टू क्वेश्चन फॉर टूडे ओके अब आता है सोशल मीडिया अपडेट तो आप हैं पॉटी श्रीमालू सी आप गांधीन थे एक्टिविस्ट थे सोशल रिफॉर्मर थे और अभी बर्थ एनिवर्सरी है आपको रेवर किया जाता है अमर जीवी की तरह और आप हैं सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था फॉर द कॉज ऑफ पीपल ऑफ आंध्रा सो दिस इज श्री मालूम ओके क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सोल सत्याग्रह में भी आपने पार्टिसिपेट किया था यह है वर्ल्ड कंज्यूमरस कंज्यूमर राइट्स डे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को था जागो ग्राहक जागो स्मार्ट कंज्यूमर सेफ्टी इन्फॉर्म चूज हर्ड रेड्रेसल कंज्यूमर एजुकेशन ये सारे पिलर्स इंपॉर्टेंट है मोबाइल ऐप भी है और ये कंज्यूमर हेल्पलाइन भी है नाउ अभी जो डेट है सिक्सटीन की ये है नेशनल वैक्सीनेशन डे तो सी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व कर रही है सोलह मार्च एज नेशनल वैक्सीनेशन डे टेक्नोलॉजी एंड अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स टू इंश्योर द वैक्सीनेशन ऑफ एवरी चाइल्ड तो द पॉइंट इज नैश इंडिया की जो विक्ट्री हुई अगेंस्ट पोलियो इसको कोमेमोरेट करने के लिए हम बनाते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे और वैक्सीनेशन एस्पेशली बच्चों में हम प्रायरिटी से यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं सो द पॉइंट इज इट नॉट ओनली मार्क्स एंड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बट ऑल्सो हैज़ अ सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट अ कॉम्युनिटी एंड नेशनल लेवल सो वैक्सीनेशन ज़रूरी है बच्चों का अधिकार है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन इज अ प्रूवन टूल फॉर कंट्रोलिंग एंड एलिमिनेटिंग लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्श डिस पब्लिक हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम्युनिटी नेशनल लेवल पे इससे बेहतर होता है तो ये क्या हुआ ये हुआ वैक्सीनेशन नेशनल वैक्सीनेशन डे ओके एक होता है मिशन इंद्रधनुष उसमें कितनी सारी वैक्सीनेशन कवर है आंसर आप हैं सरला ठाकराल फर्स्ट वुमन पायलट ऑफ इंडिया है एंड ट्रेल ब्लेजर है फॉर वुमेंस करियर इन एवियेशन एक्सीलेंट एग्जाम्पल अब ये क्या है एक है टैम्पलेट आपको कभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है आप इस एग्जाम्पल को यूज करिए कई बार जो जो ग्लास सीलिंग होती है या फिर सर्टेन जो करियर्स होते हैं वो उसमें ट्रेडिशनली हम स्टूडियो टाइप करते हैं यूज दिस एग्जाम्पल अब वुमेन पायलट हैं ट्रेल ब्लेजर हैं फॉर वुमन्स करियर इन एविएशन विच ऑफ द फॉलोविंग मेनोस्क्रिप्ट फ्रॉम इंडिया आर इंक्लूडेड इन द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर आंसर सेवा गिलगित तमिल मेडिकल मैनुस्क्रिप्ट या फिर ऑल ऑफ द और आप हैं कादम्बनी गांगुली जी सी अगेन आप हैं फिजिशियन फिजिशियन थे तो ऐसा नहीं है कि साइंस हुआ वो ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं करना है हमें तो कादम्बनी गांगुली जी वन ऑफ द अर्लीस्ट फीमेल ग्रेजुएट्स थी ब्रिटिश एम्पायर में कैलकटा मेडिकल कॉलेज 1884 एडमिट किया था आपने वहाँ से मेडिकल एजुकेशन पढ़ा और फिर आप यहाँ पर एज अ गाइनाकोलॉजिस्ट आपने यहाँ पर वर्क भी किया सो so, दिस इज कादम्बनी कादम्बनी गांगुली जी तो यूज दिज टू एग्जाम्पल्स रोल मॉडल्स जो होते हैं यूज दिज टू एग्जाम्पल्स सो दिस इज सोशल मीडिया फॉर टूडे अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़ पेपर में सो दिस इज़ द फ्रंट पेज दिल्ली एडिशन मार्च सिक्सटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इक्यूजिव ऑटर फाउंड इन कश्मीर तो कश्मीर में ये ऑटर मिला है ऑटर मिलना मतलब यहाँ का जो इको सिस्टम है रिवर इको सिस्टम है वो बेहतर है सेफ हैबिटेड फॉरन लॉयर्स फर्म्स कैन ऑपरेट इन इंडिया बार काउंसिल ने मूव किया है फॉरन लॉयर्स एंड फर्म्स ऑफ इंडिया में ऑपरेट कर पाएंगे एक वर्ड होता है कि उसने लॉ पढ़ा है लॉ पढ़ा है और एक वर्ड होता है कि क्या वो एडवोकेट है एडवोकेट है एक होता है लॉयर एक होता है एडवोकेट दोनों में डिफ्रेंस बताइए वाई सम स्टेट्स गेट मोर फ्रॉम सेंट्रल टैक्स पुल पॉपुलेशन वैल्यूड ओवर परफॉर्मेंस जो फर्स्ट न्यूज है यहाँ पर फर्स्ट न्यूज है एक्सपोर्ट्स अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है द एलिफेंट विस्परर्स एलिफेंट विस्परर्स दीज आर अवर ट्रू हीरोज ट्रू हीरोज एक्सपोर्ट्स फॉल 8.8 परसेंट ट्रेड डेफिसिट श्रिंक्स ओवर 7 परसेंट तो एक्सपोर्ट कम हुआ है ट्रेड डेफिसिट भी श्रिंक हुआ है आउटबाउंड शिपमेंट ड्रॉप हुआ है सोलह ऑफ इंडिया टॉप थर्टी एक्सपोर्ट आइटम्स में फेबररी एक्सपोर्ट का फॉल होना इज नॉट गुड नॉट गुड वाई बिकॉज एक्सपोर्ट होता है तो हमें फॉरन करेंसी अर्न करता है फॉरन करेंसी अर्न करते हैं तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी ठीक होता है ट्रेड डेफिसिट भी ठीक होता है और हमारा जो पैसा है जो हमारा एक्सचेंज में पैसा है वो भी हमारे पास रिजर्व में पैसा बना रहता है सो दैट इज़ वाई एक्सपोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड में डिमांड नहीं आ रही डिमांड नहीं आ रही यूरोप में स्लो डाउन है यू एस में स्लो डाउन है ये प्राइमरली हमारे एक्सपोर्ट मार्केट्स है और बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन यहाँ पर डिमांड नहीं आ रही है दिस इज द मेन प्रॉब्लम सो थर्ड टाइम इन फाइव मंथ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गोल्ड का इम्पोर्ट सर्ज हुआ है अब गोल्ड ऐसा है कि हम इम्पोर्ट करते हैं और इंडिया गोल्ड लविंग कंट्री भी है और गोल्ड इम्पोर्ट में काफ़ी पैसा भी लग जाता है सो दैट इज़ वाई गोल्ड इम्पोर्ट इज ऑल्सो वन रीज़न जिससे हमारा अक्सर करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट भी होता है तो एक्सपोर्ट कम हुआ है ऑयल का एक्सपोर्ट भी फॉल हुआ है ऑयल एक्सपोर्ट मतलब हम क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद प्रोसेसिंग के बाद हम उसको ऑयल प्रोडक्ट्स को रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं तो ऑयल का एक्सपोर्ट भी फॉल हुआ है सो आर नंबर एक्सपोर्ट फॉल हुआ है दिस इज़ अग नंबर एंड ट्रेड डेफिसिट भी सेवन परसेंट तक श्रिंक हुआ है ओके okay? तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का डेटा है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट आप हैं दिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस हैं गवर्नर कैन नॉट प्रेसिपिटेट द फॉल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी ये जितने भी टेंशन चल रहे हैं गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर के ये एक बहुत पॉइंट ऑफ डिबेट बना हुआ है एरिक गारसेटी कन्फर्म्ड यू एस एन वॉय टू इंडिया तो यू एस सैनेट है प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एरिक गारसेटी को एम्बेसडर ऑफ इंडिया यहाँ पर बनाने की बात कही है सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू दिस इज नेक्स्ट पेज एंड सी आर यू बींग हैरासड बाय को पैसेंजर वाइल्ड ट्रैवलिंग अक्सर ऐसा होता है कि पैसेंजर्स होते हैं या को पैसेंजर्स होते हैं वो रूड होते हैं मिसबिहेव करते हैं बेसिक एटिकेट्स एंड मैनर्स नहीं होते हैं उनमें सो द पॉइंट इज आर यू बींग हैरासड बाय को पैसेंजर वाइल्ड ट्रैवलिंग हैरासमेंट को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए आप कॉन्टेक्ट करो पुलिस से पुलिस आपकी पूरी सहायता करेगी नॉट एनी मोर लेट स्टॉप दिस क्राइम टुगेदर एक तरफ तो हमें एक जनरल बेसिक सेंस एटिकेट्स का आना चाहिए सिविल सिविल जो एटीट्यूड होता है वो होना चाहिए एट द सेम टाइम ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि आप अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे हो इट इज़ नॉट लाइक यू आर ट्रैवलिंग अलोन देर आर अदर पीपल को पैसेंजर्स एज वेल सो एक सिविलाइज बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड और अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस की हेल्प ले सकते हैं दिल्ली पुलिस आपके साथ है देन दिस इज एडिटोरियल दिस इज लेसेंस लर्न आर बी आई शुड एनश्योर बैंक आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्लोबल कंटेंजन मिस सी यहाँ कुछ बातें देखते हैं पहले बात तो ये है बैंक्स कैसे ऑपरेट करते हैं तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन बैंक दिस इज़ वन बैंक अब इस बैंक में यहाँ पर पैसा कैसे आ रहा है इनके पास डिपोजिटर्स से पैसा आ रहा है डिपोजिटर और ये लोन दे रहे हैं लोन दे रहे हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है तो डिपॉजिटर को ये बोल रहे हैं आपको तीन प्रतिशत ब्याज देंगे और लोन जो दे रहे हैं वो सात प्रतिशत पे दे रहे हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है तो बैंक को कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे चार प्रतिशत का ऐसे प्रॉफिट हो रहा है बैंक को बोला जाता है कि आप हमेशा एक लिक्विडिटी बनाए रखो एक लिक्विडिटी बनाए रखना है आपको सो दैट डिपॉजिटर्स कई बार हम पैसे विड्रॉ करने जाते हैं विड्रॉ करते हैं फ्रॉम एटीएम से या फिर बैंक अकाउंट से तो बैंक हमेशा आपके पास लिक्विडिटी रखेगा आपको डिनाई नहीं करेगा मना नहीं करेगा पैसा निकालने से बट ऐसा भी नहीं होता है कि बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट हुआ है वो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्मेट में नहीं एक हमने पढ़ा था वर्ड स्टैशरी लिक्विडिटी रेशियो दूसरा वर्ड पढ़ा था कैश रिजर्व रेशियो अभी इकोनॉमिक्स बैच में सब रिवाइज किया ना आंसर व्हाट इज़ एस एल आर सी आर आर अभी हम करेंगे द पॉइंट इज ये की वर्ड्स होते हैं तो द पॉइंट इज जैसे एक बेसल नॉर्म भी होता है हम बैंक्स की हेल्थ health को हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं कई, कई बार क्या होता है जैसे अभी सिलिकॉन वैली बैंक का ही एग्जाम्पल दे ये जो लोन दिया है ये साल भर के लिए भी हो सकता है दस साल के लिए भी हो सकता है बैंक इस पैसे को कई बार बॉन्ड्स में और दूसरी सिक्योरिटीज़ एटसेट्रा में भी डिपॉजिट करता है उसका भी एक गेस्टेशन है फाइव ईयर फोर ईयर थ्री ईयर लाइक दैट तो द पॉइंट इज़ बैंक के पास हमेशा लिक्विडिटी नहीं होती है अब क्या हुआ जब जैसे सिलिकॉन वैली बैंक आया और इसमें बैंक रन एक टर्म आया बैंक रन क्या होता है कि आपको ऐसा लग रहा है बैंक डूबने वाला है तो उसमें आप क्या करोगे सारे डिपॉजिटर्स विल रश टू द बैंक और वहाँ से पैसा डिपॉजिट करने की विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये तो वही बात हो गई कि बैंक वैसे ही लिक्विडिटी क्राइसिस फेस कर रहा है और उसमें भी सब ने पैसा निकालना चालू कर दिया लिक्विडिटी और डिफ़िकल्ट हो गई तो गरीबी में आटा गीला होगा सो द पॉइंट इज़ बैंक फिर क्या होता है बैंक रश होता है बैंक रन होता है और बैंक फिर फेल होने लग जाते है क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी नहीं है और वो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं डिपॉजिटर का पैसा वो लौटा नहीं पाएंगे ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसमें जो डिपॉजिटर्स थे ये बेसिकली स्टार्टअप्स है डिफरेंट स्टार्टअप्स है ये फंडिंग लेते हैं बहुत सारी और पूरा पैसा एक साथ तो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते सो फॉर बफर वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और जब ज़रूरत होती है विड्रॉ करते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस दिस फेलियोर फेलियर ऑफ दिस बैंक स्टार्टअप वर्ल्ड में कैपिटल का क्रंच और ज्यादा आने वाला है तो दिस इज द प्रॉब्लम बट ये सिलिकॉन वैली बैंक है इंश्योरेंस भी होता है यहाँ पर होपफुली पहले से चीज़ें पता थी ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है तो द पॉइंट इज ये लेहमन ब्रदर दो हज़ार सात आठ जैसा तो नहीं होगा नहीं होगा वी आर वेल प्रिपेयर दिस टाइम ओके अब लेसेंस लर्न तो आरबीआई को भी ज़रूरी है कि जैसा वेस्ट में हो रहा है अब वेस्ट का भी क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है वेस्ट में जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि आज का जो इकोनॉमिक्स है वो से ज़्यादातर है से एडम स्मिथ देन किनिशियन टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स चलती है पॉपुलर है वेस्टर्न मॉडल है तो वेस्टर्न मॉडल एक काइंड ऑफ कमेंट्री देता है जैसे इंडियन बैंक्स में भी कमेंट्री दिया इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इंडियन फॉर्म्स एंड कंपनीज एक्सेट्रा में बट द पॉइंट इज वाट अबाउट वॉट अबाउट यू एस यूएसए में बैंक्स बैंक्स ऐसे फेलियर हो रहा है और फिर इसको वो क्यों नहीं गेज कर पाए The point, the point is this is deja vu moment across global markets last week as the fear of Lehman redux triggered sharp declines in banking stock. जो banking stocks हैं और share market तो वैसे भी sentiments पे चलता है, तो banking stocks dip होने लग गए, dip होने लग गए, because जिस तरीके से ये trigger हुआ Silicon Valley Bank, there is fear, apprehension कि इससे एक chain reaction ना चालू हो जाए. सो द पॉइंट इज वर्ल्ड की इकोनॉमी अभी वैसी बहुत डिफिकल्ट फेज में चल रही है रेसेशनरी टेंडेंसी है यूक्रेन वॉर है कोविड नाइन्टीन रिकवरी है सो सिलिकॉन वैली बैंक जो कैलिफोर्निया था फिर न्यूयॉर्क बेस्ड सिग्नेचर बैंक है देर इज देर आर सर्टन डिफिकल्टीज अब यू एस में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट सेंटीमेंट्स को भी करेक्ट करना ज़रूरी है सिलीकॉन वैली बैंक केसिस फेयरली यूनिक डिपोजिटर बेस्ड कम्प्राइजिंग स्टार्टअप्स तो यहाँ प्राइमरी स्टार्टअप्स थे वेंचर कैपिटल थे जो टेक हब ऑफ सिलीकॉन वैली ये कैलिफोर्निया में है और यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप लोकेटेड है कस्टमर्स जोग्राफिकली और सेक्टोरली कॉन्सनट्रेटेड थे बैंक हैड ऑल्सो इन्वेस्टेड एक्सटेंसिवली इन अ पोर्टफोलियो ऑफ यू एस ए तो बैंक के पास आज के डेट में तो पैसा नहीं है बट वो पैसा उसने वेस्ट भी नहीं किया है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है वो रिटर्न हो जाएगा ट्रेजरी में और मॉडगेज बॉन्ड्स में भी ये ये इनमें डिफॉल्ट नहीं होता है यूजुअली ये सेफ माने जाते हैं तो द पॉइंट इज इससे शार्प इंटरेस्ट इंक्रीज भी हुआ इन द पास्ट और फिर जो अक्यूमुलेटेड अनरियलाइज लॉसेस थे उसको लिक्विडेट करना बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो गई लिक्विडेट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कार यू हैव अ प्रॉपर्टी बट आपको अचानक हजार रुपये की ज़रूरत है तो आप तुरंत कार तो बेच नहीं पाओगे तुरंत प्रॉपर्टी भी नहीं बेच पाओगे मतलब आपके पास लिक्विडिटी नहीं है लिक्विडिटी नहीं है सो इन बैंक्स के पास लिक्विडिटी का क्राइसिस हो गया और बैंक रन भी हो गया बाकी इनके जो एसेट्स हैं वो वेल इन्वेस्टेड एट सम प्लेसेस फिर क्रिप्टो करेंसी का वॉलेटिलिटी बना हुआ है डिजिटल एसेट्स का वॉलेटिलिटी बना हुआ है डिपॉजिट्स हैं जैसे बैंक्स अगर फेल होते हैं तो जो डिपॉजिटर है उसका ट्रस्ट वहां पे लूज होने लग जाता है बैंक फेलियर इज़ नॉट गुड सो द पॉइंट इज जो फेड ने मॉनिटरी टाइटनिंग पॉलिसी भी अपनाया सच टाइप ऑफ फेलियर्स को टेम करना जरूरी है एक्चुअली क्या होता है फेलियर एक दिन में नहीं होता फेलियर होता है ये पूरी प्रोसेस होती है तीन चार छः महीने और फिर वो ब्रेक इवन पॉइंट आता है और वो फेलियर होता है द पॉइंट इज फेल होने के पहले ही जो छः महीने थे उसमें हम इस बैंक की हेल्थ को क्यों नहीं गेज कर पाए और इसमें फिर सवाल उठते हैं रेगुलेटर्स पे रेगुलेटर्स पे कि बैंक एक दिन में फेल नहीं होता कोई भी जो फ्रॉड होता है वो एक दिन में नहीं होता तो पॉइंट इज आपने उसको डिटेक्ट क्यों नहीं किया सो so, ये एक और सवाल है तो देट इज़ वाई आर जो है हमारा वो बैंकर्स बैंक bank है उसको बहुत केयरफुल वॉच रखने की जरूरत है सो so, ये लिखा है आर बी आई रिमेन मस्ट ऑन गार्ड टू एंश्योर नीदर ग्लोबल कंटेंट नॉर दिस मैनेजमेंट मिस स्टेप्स थ्रेटन्स एनी लोकल लैंडर लोकल बैंक्स यहाँ पर नहीं इम्पैक्ट हो सो दिस इज लेसन लर्न ये शार्प डिवाइड्स है ऑकस है इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाना है हमें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ए फॉर ऑस्ट्रेलिया यू के यूनाइटेड किंगडम एंड दिस इज़ यू ये एक पैक बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देगा यूएसए और यूके एंड प्राइमरली चाइना फैक्टर इज़ वन थिंग तो ऐसे नेवल बेस बनाए जा रहे हैं और न्यूक्लियर वर्ल्ड अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आता है तो न्यूजीलैंड भी इससे बहुत अप्रहेंसिव है बहुत सारे माइक्रोनेशिया पॉलिनेशिया मेलानेशिया के कंट्रीज भी लाइक सोलोमन आइलैंड उन्होंने भी एक कंसर्न रेज़ किया है प्लस प्लस जो चाइना है चाइना भी इसको स्ट्रिक्टली अभी यहाँ पर चाइना ने भी कंसर्नस रेज किया है अब जैसे यू ने ये स्टेटमेंट दिया यहाँ दिस एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया यू और यू एस इन सब में काफ़ी क्लोज़र टाइज़ होते हैं बिकॉज़ ये सब फॉर्मर कॉलोनीज़ थे यूनाइटेड किंगडम की प्रेसिडेंट जो बाइडेन का है मिस्टर शी जिनपिंग के साथ जो डिफ़िकल्टी है ये सब बातें तो दिस इज़ लाइक कि ऑकस स्टील ऑकस स्टील तो एक ऑकस का नाम याद रखना है और एक नाम याद रखना है क्वाड का क्वाड दैन दिस इज पॉलिटिकल चाइना इंडिया एंड द प्रोमिस ऑफ पावर ऑफ टू देखो ये जो सेंचुरी है वो एशिया की है देर इज नो डाउट अबाउट दैट और एशिया में दो सुपर पावर्स हैं एक है इंडिया और एक है चाइना इंडिया एंड चाइना सो द पॉइंट इज इंडिया एंड चाइना में भी बहुत ज्यादा डिसिमिलैरिटी नहीं है इंडिया एंड चाइना काइंड ऑफ डेवलपिंग है चाइना के नंबर्स आर गुड बट बेसिक जो चाइना है मेन लैंड चाइना एट्सेट्रा है वो अभी भी डेवलपिंग स्टेजेस में ज्यादा है तो द पॉइंट इज़ की अवर प्रायोरिटीज़ पीपल है पीपल डेवलपमेंट अभी भी रिक्वायर्ड है अभी फोकस है टू सेशन है एनुअल सेशन हुए कांग्रेस में देन दिस इज पीपल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस हुआ हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमें इसको मॉडर्नाइज करना है कल्चरल एथिकल एडवांसमेंट है सी चाइना भी कोई नया सिविलाइजेशन नहीं है चाइनीज एंशियंट सिविलाइजेशन है इंडिया भी एंशंट सिविलाइजेशन है सो द पॉइंट इज़ कि हमें सिमिलैरिटीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए तो वी आर टॉकिंग वी आर डीलिंग विद द पॉपुलशन ऑफ 2.8 बिलियन इंडिया एंड चाइना कम्बाइंड दिस इज अज नंबर वर्ल्ड की पॉपुलेशन आठ है एक तिहाई यहाँ पर है दिस इज ह्यूज नंबर इंडिया एंड चाइना आर बोथ इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल रिजुवनेशन चाइना के अंदर भी ये एक सेंस है कि उसका एक डार्क फेज आया था जब जापान एंड यूरोपियन पावर ने उसको लाइक अ पम्पकिन स्पेयर ऑफ इंफ्लुएंस में डिवाइड कर दिया था नाउ दे वॉन्ट टू राइज बट चाइना के साथ प्रॉब्लम है रिवेंजफुल राइज इंडिया भी राइज करना चाहता है बट इंडिया इज नॉट रिवेंजफुल पॉजिटिव वैल्यूज रिवन है सो द पॉइंट इज चाइना एंड इंडिया हैव फार मोर कॉमन इंटरेस्ट देन डिफरेंसेस सो वी शुड नॉट इग्नोर अवर कॉमन इंटरेस्ट एज वेल स्टेडी ग्रोथ है चाइना की ग्रोथ फिगर नंबर्स अच्छे हैं इंडिया की ग्रोथ फिगर्स भी बहुत अच्छे हैं तो वी शुड फोकस ऑन इकोनमी सेकेंड पीपल जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके जो चैलेंजेस हैं जो डिफिकल्टीज है वो भी सेम है इंडिया और चाइना में सो दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड अक्सर हम ऐसा बोलते हैं जो साधारण लोग होते हैं ना ऑर्डिनरी आम लोग जो होते हैं चाहे वो सब जगह सेम ही होते हैं जैसे इंडिया के भी अगर ऑर्डिनरी पीपल दे आर सेम पाकिस्तान के भी मोर और लेस सेम चाइना के भी मोर और लेस सेम सो ऑर्डिनरी पीपल आर सेम एवरीवेयर एंड इनकी जो राइट्स हैं लाइक एम्प्लॉयमेंट हो गया एजुकेशन हो गया हेल्थ केयर हो गया इन्फ्लेशन हो गया इस चीज़ों पर हम फोकस करें ओल्ड एज इंश्योरेंस एट्सट्रा लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करें चाइना ओपन अप भी हो रहा है चाइना ओपन हो रहा है अभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म हो गए हैं और चाइना वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट भी बहुत कर रहा है चेकबुक डिप्लोमेसी है बट चाइना इज़ डूइंग इन्वेस्टमेंट्स सो द पॉइंट इज ये विन विन कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है अगर हम अपने डिफरेंसेज को आयरन आउट करें और कॉमन चीज़ों पर सिमिलैरिटी पे फोकस करें ट्रेड में भी डिकपलिंग इज नॉट पॉसिबल इंडिया एंड चाइना का जो ट्रेड है वो बहुत क्लोजली एंटेंगल्ड है एंटेंगल्ड है डी कपलिंग इज़ नॉट राइट हो भी नहीं पा रहा है और द पॉइंट इज़ कि इसमें इंडिया ट्रेड डेफिसिट पे भी है हम कहने के लिए वर्ल्ड में बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है हम से वर्ल्ड की फार्मेसी है बट सारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम चाइना से ला रहे हैं सो द पॉइंट इज़ कि डिकपलिंग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना करेक्ट नहीं होगा सो वी नीड टू फाइंड कॉमन ग्राउंड्स कॉमन ग्राउंड्स सो द पॉइंट इज दिस इज एशिया की सेंचुरी है और इसमें इंडिया एंड चाइना दो चैंपियंस हैं स्ट्रेंथन करना चाहिए कॉम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए डिफिकल्टीज कॉम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण होती है कॉमन इंटरेस्ट जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स कि चाइना इंडिया एंड द प्रोम ऑफ द पावर ऑफ टू अब एज अ आई में हमें जो स्टैंड लेना है व्यू लेना है हम ओवरली क्रिटिकल भी नहीं होते हम इंडिया के इंटरेस्ट हम को फॉरवर्ड करेंगे बट द पॉइंट इज आई आर में देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स देर आर नो परमानेंट एनिमीज देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट और चाइना के साथ परमानेंट इंटरेस्ट है इंडिया के सो दैट इज़ वाई वी नीड टू बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल एज वेल अ सस्टेनेबल मॉडल फॉर वुमेन्स लीडरशिप तो सी यहाँ पे प्राइमरली बात है वुमेन लीडरशिप इज रिक्वायर्ड पॉपुलेशन जो है हमारी वो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होती है मैन एंड वुमेन सो ऑल दिस फेयर्स जो हैं चाहे वो गवर्नेंस हुआ डिसीजन मेकिंग हुआ एम्प्लॉयमेंट हुआ वहाँ पर लेस सेम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सो द पॉइंट इज़ सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स को दूर करें एडोलसन गर्ल्स को जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं स्किल सेट्स क्रिटिकल थिंकिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हम बेहतर बनाएं ऐसा कहाँ लिखा है कि वुमेन बहुत अच्छे लीडर्स नहीं बन सकते हमें उनको ग्रूम करना चाहिए गर्ल चाइल्ड को लीडरशिप क्वालिटीज़ लानी चाहिए और क्रिटिकल डोमेन है एजुकेशन हेल्थ डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन लीडरशिप बिल्डिंग इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है ये एस डी फाइव के अंदर भी आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आई का टाइम है अभी चैट दिस जी पी भी आ गया है तो द पॉइंट इज चाहे वो आई हो या बॉडीली ऑटोनॉमी हो सेफ्टी हो ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस होल्ड में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन इज़ रिक्वायर्ड और ये एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है एजुटेक इज़ इंपॉर्टेंट हाइब्रिड लर्निंग को हम आगे बढ़ाएं एंड देन स्टेम जो होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इसको आगे बढ़ाएं कल्चरल नूवानसेस को समझें जो चैलेंजेस आते हैं हिडन और हिडन और लाइक विजिबल चैलेंजेस होते हैं बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें इतनी आसान भी नहीं होती है बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनको आयरन आउट करें उनको आइडेंटिफाई करें और सिस्टमेटिकली दूर करें तो फाइनेंस एंड ऑन्टरप्रनोर फील्ड में आगे बढ़ाएं मैकेनिज्म आगे बढ़ाएं इंक्लूजन हो बूट कैम्प्स लाएँ ओलम्पियाड लाएँ इनोवेशन लैब्स लाएं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कॉन्फिडेंस बिल्ड करें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और टीचर्स का पेरेंट्स का सोसाइटी का दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो डिसीजन मेकिंग में बराबर हिस्सेदारी होना चाहिए एडोल्स इन गर्ल्स इन दिस नेशनल पॉलिसी भी हमारी स्पोर्ट्स में हम करें वल्नरेबल वर्ल्डल कम्यूनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक के बाद सोशो कल्चरल नॉर्म्स और बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी है इट इज़ क्रूशियल फॉर अस टू रिकोगनाइज रिड्यूज एंड रीडिस्ट्रीब्यूट अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क आपको पता है ये जो केयर इकोनॉमी है ये जी में काउंट भी नहीं होता है सो दैट विमेन में एन्जॉय इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम्स ऑन एन इक्वल फुटिंग टू मैन दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं एक है एजुकेशन और दूसरा इकोनॉमी इकोनमिकली उनको स्टेबल बनाए। पॉलिसीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज सोशल प्रोटेक्शन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक एंड केयर वर्क मेन एंड वूमेन में पेड जॉब्स नॉन पेड जॉब्स इसमें हमें एक बेटर इक्विटी लाने की ज़रूरत है ये मल्टीप्रूंज अप्रोच होगा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं स्पोर्ट फॉर लीडरशिप हो डिजिटल इनोवेशन हो लर्निंग हो बॉडिली ऑटोनॉमी हो, हो इन चीज़ों पर हमें वर्क करना है सो द पॉइंट इज नर्चरिंग गर्ल्स लीडरशिप एबिलिटीज इज़ अवर कलेक्टिव फर्स्ट स्टेप Towards breaking down restrictive gender norms and barriers for truly gender transformative growth and accelerating girl and women led progress across the Sustainable Development Goal number 5 for India and the world. ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं. These are really good points और बहुत qualified यहाँ पर है जिन्होंने यह आर्टिकल लिखा है. So again इसको देखना ये एसएम में बहुत काम आएगा. ये जो इस टाइप की सप्लीमेंटरी चीजें करते हैं ना, especially यू पी सी एस सी एग्जाम में ये बहुत काम आता है प्राइमरली हम उसी को टारगेट करते हैं उसमें ये लैंग्वेज पॉइंट्स टोन फॉर्मेलिटी चॉइस ऑफ वर्ड्स डायरेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन ओवर फार्मूला वाई सम स्टेट गवर्नमेंट गेट मोर सेंटर सो दिस इज लेस लेक्सट एंड कॉन्टेक्सट है ऑन रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स ओके अगेन जैसे अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात है भारत राष्ट्रीय समिति यहाँ पे बताया कि लाइक वुमेन रिजर्वेशन बिल में पेंडिंग क्यों है सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट हुआ था पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी इसमें वन थर्ड सीट्स का प्रोविजन है रिजर्व होनी चाहिए फॉर वुमेन फोटीन परसेंट मेम्बर इंडियन पार्लियामेंट में वुमेन है नो दिस इज नॉट राइट साढ़े पाँच सौ प्लस ढाई सौ की हमारी पार्लियामेंट है और इसमें केवल चौदह प्रतिशत ही वुमेन है वाई डिसीजन मेकिंग में वुमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है पार्लियामेंट्री यूनियन में भी इंडिया so okay. है लोअर हाउस अभी इस बिल पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है जब ये फाइनल ड्राफ्ट से फिर एक्ट में कन्वर्ट होगा कल्चर टू क्लाइमेट और ये है नो योर इंग्लिश इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर इज दैट आफ्टर नो सूनर देर इज़ इनवर्जन नो सूनर नो सूनर अक्सर हम यूज़ करते हैं राइटिंग में ये वर्ड ज्यादा होता है कि नो no सूनर मतलब आप जैसे ही वहाँ पे पहुंचे और वो कम हो गया नो सूनर वॉज डिनर ओवर देन ही लेफ्ट डिनर ओवर देन ही लेफ्ट नो सूनर हैड ही पुट डाउन द बुक देन शी बस्ट आउट नो सूनर हैड ही रीच्ड होम देन द रेन स्टॉप घर जाती रेन बंद हो गई सो नो सूनर जो होता है ये राइटिंग में ज़्यादा यूज होता है स्पीच में कम यूज़ होता है एक हम एस सून एज भी बोलते हैं मतलब जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे एज सुन एज आई रीच्ड होम द रेन स्टॉप नो सुन आर डिड आई रीच होम देन द र स्टॉप तो दिस इज़ इंग्लिश वेरी कॉम्प्लीकेटेड साइंटिफिक भी नहीं है इंग्लिश प्लेफुल होता है मतलब आप बिना प्रोवोकेशन जस्टिफिकेसन दिस इज लाइक मैलिशियसली और अननेसेसरीली क्रूअल एट्सट्रा प्लेफुल के भी मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं प्लेफुल का मतलब ये भी हो सकता है कि लाइक चेयरफुली वहाँ पर वर्क हो रहा है विलफुली है दैन वॉन्टन है दिस इज वॉन्टून एंड वॉन्टून मतलब ट्रेंड डिसिप्लिन

ऐसे so, ही वो फिर बनते हैं एडवोकेट बन जाते हैं जब बार काउंसिल पे आप रजिस्ट्रेशन कराते हो वरना पहले वो लॉयर रहते हैं देन दिस इज पावर यूटिलिटीज ट्रस्ट सी ई पी एफ ओ रेलवे वीडियो सर्विलेंस सिस्टम प्रोजेक्ट स्टम्प्ड बाय लैक ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस करंट प्रोसीजर फॉर इंक्लूजन ऑन एस टी लिस्ट एडिक्वेट है एडिक्वेट है गवर्नमेंट ने बताया दैन स्ट्रेट डॉग्स अटैक अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू तो यहाँ पर स्ट्रेट डॉग्स और इससे अक्सर जो लाइफ लॉस हो रहा है छोटे बच्चे एट्सेट्रा का डिफिकल्टीज तो उसको कैसे ठीक करें ये नेशनल आर्काइव्स हैं हाउस पैनल क्वेश्चन ह्यूज कट इन आउटले फॉर एम जी नरेगा यूरेशियन ऑटर रेजेज होप फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्ट्रीम सी ये यूरेशियन ऑटर है ये ऑटर है इसको भी हमने कॉट किया नीरू स्ट्रीम जम्मू एंड कश्मीर में वाटर अगर होता है ना रिवर इको में मतलब ये एक सर्विसेज भी देता है और ये रिवर इको को बेहतर बनाता है तो ये ऑटर है ये सेमी एकवेटिक कार्निवोर मैमल होता है ये नीरू स्ट्रीम में मिला जो ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की और देखो आर स्टिल अनपॉल्यूटेड अनपॉल्यूट अनपॉल्यूट तो ये साइंटिस्ट ने फोटोग्राफ किया है एक ये इ्लूजिव सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल है जो जम्मू एंड कश्मीर की स्ट्रीम में हमें मिला तो कैमरा ट्रैप में इसको मिला नीरू स्ट्रीम में मिला नीरू जो है अनपोलिटेड है नीरू ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की दीज ट्रैच आर अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन स्टोनी बेड्स है नैरो वैली है ग्रेवल माइनिंग भी यहाँ पर है ऑटर का सर्वाइवल बेहतर है ऑटर की बात करें यूरेशन ऑटर की तो ये नियर थ्रेटेड है आई रेड लिस्ट में ये फ्लैगशिप स्पीशीज है हाई क्वालिटी एक्वेटिक हैबिटेट है एनकरेजिंग फॉर द हेल्थ ऑफ नीरू स्ट्रीम इज रिक्वायर्ड देन ड्रेन ये एरिया यहाँ पर फाइंड किया और दिस ऑटर यहाँ पर साइट हुआ है दिस इज घोट देन दिस इज रशिया ऑयल रेवेन्यू सिंक हो रहा है एंड देन ट्रम्प अलाइज टू थर्टी बिलियन डॉलर के फंड हैं साउथ कोरिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप सेंटर बन रहा है सी ये इलेक्ट्रॉनिक्स चिप साउथ कोरिया और उसमें भी सैमसंग का बहुत बड़ा लीड है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स तो टू थर्टी बिलियन फंडस का यहाँ पर बन रहा है देन दिस इज अमिट क्लैश रिट्रीट फ्रॉम इमरान दिस इज रशिया रेसिस म्यांमार है ट्रेड पॉलिसी में भी रिवाइज आफ्टर एट ईयर फ्रॉम अप्रैल वन लेटेस्टी यहाँ पे मे लिखा हुआ है लेटेस्सी ट्रेड पॉलिसी मतलब हम किन सारे सेक्टर्स पे एम्फेसिस करेंगे एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सर्विसज एक्सपोर्ट लाइक दैट फॉरन ट्रेड पॉलिसी दो हजार पंद्रह अभी यह रिविजन होने वाला है यूरोप बैंक स्टॉक्स केड एंड इंडिया कैनेडा ट्रेड डील टॉक्स टू बी हेल्ड इन अप्रैल सेंसेक्स भी डिप हुआ है पॉइंट फाइव नाइन परसेंट सो दिस इज द हिंदू न्यूज़ पेपर फॉर टुडे दिस इज दिंदू न्यूज़ पेपर फॉर टुडे आई शेयर दिज नोट्स टुमारो टुमारो ओके अब हम आते हैं आंसर सबमिशन में तो दिस इज दीज आर टू क्वेश्चन सी एस आर और ई एस डी रेगुलेशन करना था कॉरपोरेट कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ई एस डी और ये बहुत अच्छा सवाल था लेबर लॉज को चाइल्ड लेबर को कैसे चेक किए इसके कुछ इनोवेटिव मेजर्स आप क्या सोच सकते हैं ये मैं अगेन बार बार बता रहा हूँ दिस इज़ नॉट अ सेमेस्टर एग्जाम यू पी एस सी इज़ नॉट अ सेमेस्टर एग्जाम आप ऐसा सोचेंगे कि एग्जाम के एक महीने पहले ये सारी किताबें पढ़ लें और इसी से सवाल आ जाएगा प्रिलम्स में लेट मी टेल यू देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आखिरी एक महीने में आपने जो पढ़ा उससे एक भी सवाल नहीं आया सवाल वो आया जो आज अपने छः महीने पहले पढ़ा था तीन महीने पहले पढ़ा था स्कूल में पढ़ा था कहीं न्यूज़पेपर में देखा था किसी एडवर्टाइजमेंट में देखा था तो इट इज़ नॉट अ सेमेस्टर एग्जाम वी नीड टू लर्न दिस आप डेली बेसिस में एक रूटीन बनाए रखिए डिसिप्लिन बनाए रखिए आपका एग्जाम बहुत हंसते खेलते निकल जाएगा और लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन दी एंड मेन्स क्वालिफाई करना इज द रियल डील बार बार प्रिलिम्स के लूप में नहीं फंसना है सी एस आर एंड ई एस जी रेगुलेशन सुमरन सिमरन की कितनी बढ़िया हैंड राइटिंग है एंड दिस इज सच अ गुड आंसर सी एस आर क्या होता है कॉरपोरेटेड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके सारे पॉइंट्स बताए बताएं पे कहाँ एप्लीकेबल है तीन क्राइटेरिया अभी आ गया ई अभी एक नया आया है एनवायरमेंट में गवर्नेंस और सोशल कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी है वो एनवायरमेंटल स्टेप्स क्या ले रही है गवर्नेंस स्टेप्स क्या ले रही है सोशल स्टेप्स क्या ले रही है जैसे क्लाइमेट चेंज नेचुरल रिसोर्सेज या फिर सोशल में ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा गवर्नेंस में वो बिजनेस एथिक्स वगैरह में क्या कर रही है ये सब ई में आता है सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड द पर्पज इज कि हम एक अकाउंटेबिलिटी सेट करें देखो बिजनेस विदाउट एथिक्स नहीं होना चाहिए बिजनेस विदाउट एथिक्स नहीं होना चाहिए देन दिस इज सुंदर सुंदर भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है सी एस आर एंड ई एस जी तो सी दिस इज सच अ गुड स्टाइल दिस ग्राफ इज रियली गुड वेरी गुड तो दिस सी एस आर एंड ई एस जी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियंका अगेन रियली गुड सी सॉइल दिस इज यहाँ आपने लिखा है कि चाइल्ड लेबर को कैसे हम बेहतर करें चाइल्ड लेबर को नहीं होने दें तो देखो ब्रिक मेकिंग के बारे में बताया जहाँ न्यूज़ में था चाइल्ड दिस लेबर देखने को मिल रहा है फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कॉजेज हैं गवर्नमेंट मेजर्स हैं सी द फ्लो दिस इज़ गुड अदर इनोवेटिव मेजर्स में भी पुलिस स्कूल स्टेक होल्डर्स एजुकेशन कॉम्यूनिटीज़ बिजनेस वेरी नाइस दिस इज़ रियली गुड अब देखो स्कीम्स भी हैं जैसे पोषण स्कीम हो गया सक्षम आंगनबाड़ी हो गया वे फॉरवर्ड हो गया एस डी जी गोल्स हो गया फैंटेस्टिक दिस इज़ रियली रियली गुड आंसर एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड दिस इज एप्सोलूटली ट्रू कलाम साहब ने भी क्या बोला है द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टीज दैन दिस इज सी एस आर एंड ई एस डी का डिफरेंस दिस स्टाइल इज गुड क्या होता है ये बड़ी प्रैक्टिकल स्टाइल है रियल एग्जाम में आप कुछ ऐसा ही आंसर लिखते हैं वहाँ पे दिस इज रियली गुड वे फॉरवर्ड फॉर सोशल फॉर गवर्नेंस फैंटेस्टिक नंदिनी भी बहुत अच्छा आंसर अच्छा अच्छा लिखती है दिस इज ई एस जी रेगुलेशन का इवेल्युएशन लिखा है अभी जो वर्ड है ना वो सी एस आर के ज़्यादा ई एस जी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेक्टर वाइज है एंड दिस इज़ कॉन्क्लूजन चाइल्ड लेबर भी है और ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड प्रोविजन है ये बहुत अच्छा डिटेल्ड है आपका आंसर बहुत जो कॉन्टेंट होता है जो बहुत अच्छा है दिस इज़ रियली रियली गुड टाइप्स ऑफ चाइल्ड लेबर और जिस तरीके से फ्लो में प्रेजेंटेशन आपने किया है वो भी बहुत अच्छा है जैसे ये सारे पॉइंट्स लिखे चाइल्ड स्कूल्जर ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस मेजर्स है दिस इज रियली रियली गुड आंसर बेस्ट आंसर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर वेरी गुड रश्मि रश्मि ने देखो कितना अच्छे से टे, टेबल ड्रॉ कर दिया दिस इज सी दिस इज ई दिस इज रियली गुड यहाँ पे सारे पॉइंट्स डिफरेंस बताए इवेलुएशन इवोल्यूशन कैसे हुआ करंट स्टेटस क्या है सी नंबर्स इंपॉर्टेंट फिर ई भी बताया प्रेजेंट स्टेटस वेरी गुड बहुत टू द पॉइंट आंसर है फेंटेस्टिक इसमें करंट अफेयर्स भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा डालना है इससे यूनिकनेस आती है आंसर में इनोवेटिव मेजर्स बताने थे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चाइल्ड क्या है चाइल्ड लेबर और फिर चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एक्ट्स आर फेंटेस्टिक वेरी गुड आंसर चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा इशू है बहुत सेंसिटिव इशू है और उस पर हम बहुत सीरियस हैं इसको हटाने के लिए सजेस्ट सम इनोवेटिव मेजर्स नेहा नेहा इज अगेन रियली रियली गुड स्टैटिस्टिक्स के साथ हमने शुरुआत किया चाइल्ड लेबर इन इंडिया कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर